हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की नैतिक शिक्षा की सप्ताह 12 की वर्कशीट, और हमारा विषय है देश प्रेम। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को करना। देखिए, इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी भी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न फिक्र है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश उनमें मेरा भी नाम आए। बच्चों, इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब भी देश के शहीदों का नाम आए, शहीदों का मतलब होता है कि वो लोग जो देश के लिए अपने प्राण देते थे हैं, तो उसमें मेरा भी नाम आना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम या देश के लिए अपनी जान दे देना एक बहुत बड़ा काम माना गया है। आगे देखिए, अब इसमें कहानी है। रंगनाथन को 7 दिन से होश नहीं आया था। वह अस्पताल में किसी दुर्घटना या किसी झगड़े की वजह से चोटिल होकर भर्ती नहीं था। उसकी यह हालत उसकी दिलेरी और समझदारी के कारण हुई थी। देखते हैं क्या दिलेरी और क्या समझदारी थी। रंगनाथन 4थी कक्षा में पढ़ने वाला 10 साल का एक खुश मिजाज बच्चा था। विद्यालय के हर कार्य में वह हमेशा आगे ही रहता था। पढ़ने के साथ साथ वह घूमने का भी शौकीन था। पिछले सप्ताह वह स्कूल का काम करके अपने दोस्तों के साथ गांव से कुछ दूर निकल आया था। मौसम सुहावना होने के कारण वह अपने दोस्तों से अलग हो गया था। वहां चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे। उसे थोड़ी दूरी पर एक जीप दिखाई दी। उसमें से 2 लोग एक बड़ा सा बक्सा एक गड्ढे से निकाल कर जीप में रख रहे थे। देखते हैं वो क्या कर रहे थे। पीछे से एक आदमी ने आकर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर जीप में डाल दिया। रंगनाथन ने कोशिश करके अपने आप को आज़ाद कर लिया, मतलब उसने अपनी रस्सियों को छुड़ा लिया। वह जीप में हथियारों और बमों से भरे बक्सों को देखकर डर गया, मतलब वो लोग बुरे आदमी थे जो कि जीप में बक्सा ले जा रहे थे, उस बक्से में हथियार और बम थे। उसे लगा कि ये लोग बम से शहर में धमाका करने वाले हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है। फिर उसने अपने आप को संभाला। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने फिल्मों में देखा था कि बम की पिन को खींचा जाए तो वह फट जाता है। उसने हिम्मत करके एक बम को उठाया और उसकी पिन को खींच दिया और जीप से कूद गया। जीप में धमाका हो गया, जिससे उसमें बैठे लोगों के बक्सों समेत परखच्चे उड़ गए। लेकिन रंगनाथन भी धमाके की चपेट में आ गया। उसके होश आने पर पुलिस व लोगों ने उसकी बहादुरी व सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। रंगनाथन के दोस्तों को भी रंगनाथन पर गर्व था, क्योंकि रंगनाथन ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली थी। अब आपको इस चित्र में रंग भरना है और फिर वर्कशीट को अपने टीचर को जमा करवा देना है।